हाँ दोनों का ना, और इतनी भीड़ तो है नहीं कि अपने को एक साथ तो आ जाएगा उसकी दिक्कत नहीं। सर आपके नंबर प्लेट लीजिएगा, आपका ये सिस्टम है इसे ये पास में किसी सर्टिस से वैक्सीन आना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आना है कौन से डिपार्टमेंट से सर? एजुकेशन। आ जाइए एकदम बात हो जाए। वही मैंने बोला सब कुछ धीरे धीरे होगा। अच्छा सेंटर में जाते हैं ये अच्छा टीम सेंटर बना ये करो कि आगे बढ़ूंगा वैसे बढ़ते तरह और कुछ। अरे तो पानी नहीं है अभी भीड़ के, वो रास्ते में जो हैं अभी इधर है मुंबई तरफ नारायण। अगर उनके बैठ के टाटा बिटी करने में थोड़ी आज सिर्फ शासन के निर्देशानुसार सिर्फ 12वीं क्लास के लिए आज है, सोमवार और गुरुवार को 12वीं का रखा गया है। तो पूरा स्कूल में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा पहले हर बच्चे को। हर बच्चे के पास मास्क रहेगा, नहीं रहेगा तो हम स्कूल से प्रोवाइड कराएंगे उनको। और दूरी के लिए कहा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग जितना रख पाएँ, क्लास में भी हम लोग दूर दूर उनको बिठाएँगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और हर बच्चे को पालक की लिखित सहमति के साथ ही उसको आना पड़ेगा, मतलब पालक हर पालक की लिखित सहमति होगी बच्चे के साथ तभी हम उसको प्रवेश देंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है शासन के नियम के हिसाब से। बाकी अभी फर्स्ट डे है, देखते हैं कितने क्या पालक बच्चे आते हैं। अब किस तरह का रिस्पांस पहले रहा है क्या? स्कूल शुरू होने से बच्चे और पेरेंट्स कुछ आए थे आप लोगों के पास में कि नहीं? बच्चे तो आना चाहते हैं, बच्चे जैसे हमारे जो शासकीय स्कूल के बच्चे हैं वो तो आना चाहते हैं। कुछ पालक हैं जो कहते हैं कि नहीं आफ्टर वैक्सीनेशन ही उनको यहाँ प्रवेश दिया जाए, बाकी मोस्टली बच्चे आना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।